तो वापस स्वागतम है आपका हमारी चैनल पे, और हार्दिक स्वागत करते हैं हम। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बागा बीच। तो ये जो जलपरी आपके सामने तैर रही है, मेरी मासी है जिनका आज बर्थडे, तो वही हमको यहाँ पे गोवा में लेके आई है सेलिब्रेशन करने के लिए। तो वही अभी तैर रही। ओ जलपरी, ओए क्या गुंडा बनेगी ये जब तक। चलो दीदी बाहर निकलो, जाने का है बागा बीच। चलो चलो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी नागवा बीच। तो पता है नहीं तो लोकेशन करके जा रहे हैं यहाँ से बागा बीच। यार बाकी यहाँ के दीव का नागवा बीच मेरे को हमेशा याद आ जाता है। नागवा बीच एक्चुअली दीव में आया है जो गुजरात में है, और हम लोग अभी जा रहे हैं बागा बीच। याद ही ना निकले मेरे को, क्या भूलने की आदत है हर एक वीडियो में, और बताया मैं हर एक वीडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नागवा बीच। कौन सा बीच? बागा बीच यार, भूलने की आदत मेरी कब जाएगी यार। क्या बार बार आप भूल जा रहे हो? सॉरी मामा, भूल जाता हूँ। पहले भी मेरा मामा शादी के बाद किसी को भूलेंगे नहीं ना। शादी के बाद बीवी को ही भूल जाऊंगा। वही मेरा भाई मुगली, हाय कर भाई पब्लिक को। संजय मामा से हाय। भाई मेरा भाई क्या बोलता हूँ भाई। अरे मैं बीजू बॉम्बे। सो फाइनली अभी ब्लॉग भी आते कि हम लोग को बागा बीच का लोकेशन अभी डाल के जा रहे हैं। हम लोग पीछे हमारी दूसरी कार का इंतजार कर रहे हैं, और दो कार भर के जाएंगे वहाँ पे, जाके पार्टी वगैरह करेंगे देखते। पर पार्टी तो होगी, हमारा 2 बजे का बुकिंग है। और हम लोग ने विला वगैरह बुक भी कर दिया ना मामा। कौन सी जगह पे विला? 710 विला। हम लोग अभी वहाँ पे, पहले हम लोग जाएंगे बागा बीच, वहाँ से हम लोग जाएंगे 710 विला सॉरी, और वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा मैं हम लोग ने कैसा विला बुक किया है। आपको पसंद आएगा, क्योंकि मेरे को वो इंस्टाग्राम पे देख के ही मैं भी पागल हो गया था कि यार हम लोग ने यहाँ पे बुक करवाया है करके। तो देखता हूँ और आपको पूरा बताऊँगा कि कितने में हम लोग ने बुक वगैरह किया है, सब दिखाऊँगा, और लोकेशन भी मैं आपको डाल के दूँगा उसमें, और जिसका विला है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डालूंगा। तो यहाँ से हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 3.3 किलोमीटर है, 10 मिनट का रास्ता है, और 10 मिनट तक मैं आपको पकाऊंगा। मजाक कर रहा था कि हम लोग गुजर रहे हैं गोवा की गलियों से। यहाँ पे गाना बजना चाहिए, तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, गोवा की गलियाँ। हाँ आगे से लेफ्ट लेना। मस्त है यार, पहली बार गोवा में आया। बाय द वे गोवा एक नंबर है यार, जन्नत है। जैसा सुना था वैसे ही आलीशान है। अभी हम आउट साइड में हैं, अभी हम इन साइड में घुसेंगे, वहाँ पे बागा बीच पे जाके मस्ती करेंगे। हमारे साथ एक हमारी बहना है जिसका आज बर्थडे है। हाँ, एक हमारा पागल मेंटल दोस्त भाई है उसका भी आज बर्थडे है। बाय द वे राइट लेना है। एक सेकंड राइट लो, राइट लो, मैं भूल ही जाता हूँ। आप पूछते रहे ना मेरे को। हाँ ये रास्ता मालूम है, रात को यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए आए थे हम। रात भर यहाँ घूमे, रात भर हम लोग घूमे। कुछ ठीक जा रहे लोग कहते हैं कि यहाँ गोवा में कुछ बहुत घूमते हैं। मामा भूत से बहुत डरते हैं। फिलहाल तो सबसे बड़े भूत हम ही है, क्योंकि हम रास्ते पे निकले तो सब भूत बैठ गए उनके घर। मामा को हो गई सुबह सुबह। ये सुपरमार्केट है, यहाँ पे सब मिलता है। गोवा का सुपर मार्केट, दिस इज अ गोवा सुपर मार्केट। और यहाँ पे बताया, अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो गोवा में आपको हर एक किराना की शॉप पे पेट्रोल मिल जाएगा। सही है ना? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप बहुत कम है और बहुत दूर दूर है, तो सारे किराना वाले पेट्रोल इसलिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बाइक वगैरह भाड़े पे रखते हैं ना सब लोग, भाड़े पे बहुत मिलती है ना बाइक। तो बाइक वालों को अगर किधर भी पेट्रोल खत्म हो गया तो आपको आसानी से किधर भी प्रोविजन की स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप पेट्रोल का जरा भी टेंशन मत लेना। भाव तो क्या हो पेट्रोल के ऊपर है ना, मुंबई का भाव से यहाँ पे मिलता है। मीन्स यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल पंप में ना 105 रुपये मिल रहा है, पर अभी 106 रुपया। चलो ना भाई क्या फर्क पड़ता है, 106 रुपये में पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। आगे से लेफ्ट लेना मामा। और हम लोग कल रात को गए थे तो हम लोग को 120 रुपये लिया था। ऑब्वियसली यार वो लेफ्ट है रे पागल, गूगल झूठ नहीं बोलता कभी। राइट से गया था कल बागा बीच। हाँ तो अभी लेफ्ट से जाने का आज। हाँ राइट से भी जा सकते हैं, पर राइट से 10 मिनट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट।
मैं क्या बोल रहा था, हाँ 120 रुपये ऑब्वियसली वो तो लेके ही, अपना तो खुद का चार्ज लगाएगा ही। तो फिर बस आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आपको पेट्रोल पंप तक गाड़ी चला के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी प्रोविज़न, हाँ धक्का मार के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी प्रोविज़न स्टोर से पेट्रोल ले सकते हो। अभी वो डिपेंड है कि उस टाइम पे क्या भाव चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जाके झगड़ा मत करना कि भाई 120 रुपये का दे करके, जो कि ये वीडियो वायरल होगा नहीं, सबको क्या बोल रहा हूँ ये सब मैं कट कर दूँगा। हमारे टाइम अगर आप लोग कोई भी आए उस टाइम का पेट्रोल का भाव क्या रहेगा आपको मालूम? सीधा जाओ मामा। और क्या मोबाइल लोकेशन लोकेशन क्या बोल रहा है, देखो कुछ बोलना है भाई? नदी क्रॉस कराया पछी आगे दिन है आज सेट बेल्ट तो पहनो ना, એટલે ના ના એ લોકો ગાડી જ નહી કરતા, ખબર આ એમ 02 એટલે લોકો ફરવાય હવે કે આગળ ની બસ ની ત્યાં રાઈટ આઈ થિંક તો એ નહી નહી આને બધું સીધા જવા દો, હા એ બસ જાય ને એ રાઈટ બરોબર કાલે જો ના ફોનો તૂટી ગયો એટલે હવે સીધો જવાનો છે, ખાલી થોડા બહુત સામે જતા રસ્તા સીધા જાને કા વહા જાકે રાઈટ ફેર લે ઓર આપણા પાકા બીચ આ જાયેગા। यहाँ पे यार सब कुछ बहुत हार्डर लगता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है, यहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं होती, आराम से घूम सकते हैं, चिल मार सकते हैं। हाँ सिद्धू चले आ गए भाई, और यहाँ पे तो भाई जन्नत ही जन्नत दिखती है, सब जगह पे दुकान ही दुकान है, बहुत सारी टैटू की शॉप, वाइन शॉप, कपड़े की बहुत सारी दुकान है। और टंटनान हम लोग आ गए, वेलकम टू बागा बीच। वेलकम टू बागा बीच, सिर्फ एक मिनट का रास्ता है, और सामने आपको दिख रहा है एंड में दरिया नहीं दिखेगा रे, आईफोन है इतना दूर से नहीं, हाँ दिख रहा है क्लब टिंटोस ये चाय वाला इधर भी है, ये बहुत फेमस चाय है, चाय 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 चाय। मैं आपको रिप्ले करके स्लो मोशन में दिखाऊंगा, रुको ये देखो क्या ज़ॉम्बी के माफिक चल रही है यार। अरे सॉरी यार, भगवान करे वो अच्छे से चलती हो जाए, आई मीन उसको कुछ प्रॉब्लम रहेगी, सॉरी सॉरी सॉरी। चल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कार पार्क करना, कार लेके जाएंगे मामा। क्या मामा क्या बंदा बनोगे आप? टिटोस होनी होनी हरनी क्या गुंडा बनेगा रे, मैं साथ ही फेलू भाई, इधर मजाक में बारहवीं फेलू है, मैं बहुत सारे टैटूज की शौक है, पांचवी दुकान देखी अभी तक। चलो हाय मासी, तो हमारी प्रॉब्लम ये बाय द वे मेरी मासी है आशी मासी। हाय गाइस, बताओ। हाय मुंबई की पब्लिक, हम लोग पहुंच गए गोवा मंगाओ बागा बीच। अभी हम लोग जा रहे हैं बीच के अंदर, एंटर हो रहे हैं, देखो देखो और एंजॉय कीजिए। ये है बागा बीच, माँ का सम जैसे सुना था वैसे ही है, जन्नत है यार यहाँ पे तो। लवर लोग के लिए बेस्ट है रे ये, यहाँ पे आपको ड्रिंक वगैरह सब बीच पे मिल जाएगा, ये सारे बार और कैफे है।
वो क्या है, गरम है? बहुत गरम है। या अच्छा बना मैं शूज पहन के आया। माँ की आंख मस्त। अभी छिल मारेंगे यार, गाना वाना बजेंगे हम। एक नंबर जगह है रे यार, ये तो जन्नत ही जन्नत है यार। इतनी धूप है पर धूप लग नहीं रही क्योंकि इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा जो आ रही है। एक्चुअली ठंडी हवा नहीं है, टी शर्ट पसीने से गीला है। तो हवा लग रही है तो ठंडा ठंडा लग रहा है, मस्त। पानी भी क्लीन है, थोड़ा मुंबई जैसा नहीं है, एकदम ब्लू वाटर है। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, वो भीड़ से माँ की यहाँ भीड़ ही दिख रही है। ओह फक, तू मत आ शूज पहने हुए। तो भीड़ से वहाँ पे दिख रहे हो भीड़, वहाँ की यहाँ पब्लिक ही पब्लिक तो वहाँ पर ही है पूरी, पता नहीं वहाँ पे क्या। अरे सिर्फ मेरे आजू बाजू में पब्लिक नहीं है, बाकी पब्लिक देखो पूरी पब्लिक ही पब्लिक है वहाँ पे, देख रहे हो वहाँ पे और यहाँ पे, यानी मेरे पास ही पब्लिक नहीं है बस। और छोटी 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 एरिया बहुत भी दिख रही है। यहाँ पे सब लोग क्या मस्त एंजॉय कर रहे हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कैमरा लेके घूम रहा हूँ और किसी और का चश्मा भी। कोई बात नहीं, मैं इसे लहरों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और यार अगर आपको बोलूँ ना, पानी एकदम मस्त क्लीन और ठंडा है यार, गर्मी का एहसास ही नहीं लग रहा है यार। मैं यहाँ पे अप्रैल में गरम गरम धूप के साथ खड़ा हूँ तो भी मेरे को गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि हवा भी इतनी तेज़ आ रही है, पानी भी ठंडा है, मज़ा आ रहा है। बाकी यार मेरे जेब में मोबाइल और मेरा मेरी जेब के लिए हो गई, अब तो थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल है। थैंक गॉड सिर्फ यही गीला हुआ है यार, ये गीला नहीं हुआ, सिर्फ यही गीला हुआ है। वो क्या जाऊँ उछके नहीं पानी माँ। हाँ तो आप मोबाइल वोबाइल मुकिन जा भी बदू। हाँ ये चल भी। सो मैं भी अभी एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी बोल रहा था कि यार सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी मैं खुद जा रहा हूँ एंजॉय करने के लिए, मैं जा रहा हूँ पानी में। नीचे से तो गीला हो चुका और अंदर जाऊँगा। एक नंबर, मैं और मेरा भाई ठीक है। जब मेरे भाई मेरे साथ रहते तो मेरे को यही गाना याद आता है। आ जाना विनेश तेरे को, बाकी आग एक नंबर ना बनता है वो। अगर मेरी मासी को मालूम पड़ा मैं गिला हुआ हूँ, वाट लगा दीदी मेरी। वाह एक नंबर, वाह क्या मज़ा आ रहा है यार। हाँ मैं बहुत साल के बाद पानी में आया हूँ बाय द वे। अगर मेरा मोबाइल गिर गया तो जाने वाले ब्लॉगिंग के। इतना जोर से जो लगता है ना, क्या बोले इसको, बहुत जोर से इसका जो रहता है लहर यार, क्या गुंडा बनेगा मैं, बहुत जोर से इसकी लहर लगती है वो। ब्रो एक नंबर यार। हाँ तो आपको लगता रहेगा कि इतनी जोर से इतनी बड़ी लहर आ रही है, नहीं यार मैं बैठ जाता हूँ, जैसी लहर आती है मैं बैठ जाता हूँ। हाँ अब ठीक है, बस मेरे को थोड़ा ऐसा जम के पैर डाल के खड़ा रहना पड़ रहा है ताकि सब ठीक है। इतनी जोर से भी लहर नहीं आ रही है, बहुत हल्की ही आ रही है क्योंकि मैं सिर्फ कमर तक की हूँ, इतना गहरा भी नहीं हूँ, इससे नहीं गिर रहा हूँ। ये बहुत खराब वाला था ये वाला बहुत खराब था। तो मैंने बोला था कि मेरी मासी को मालूम पड़ा अगर मैं गीला हुआ तो मेरी वाट लगा देगी, क्योंकि वो इसलिए वाट लगाए क्योंकि मैं गीला हो जाऊंगा ना तो मेरे को कार में नहीं जाने देगी, इसलिए। क्योंकि मासी ने ना बोला था नहाने के लिए, तो भी मैं आ गया हूँ नहाने के लिए, कोई नहीं
और मैं अपने भाई को बार बार बुला रहा था कि बहन नज़दीक आ, भाई नज़दीक आ, पर विनीत नज़दीक ही नहीं आ रहा था क्योंकि विनीत को पानी से डर लग रहा था। तो मैं और हर्षिल दोनों पानी में गए थे नहाने के लिए। और आप जो देख रहे हो यहाँ पे एड़े गिरी जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं पियला था थोड़ा, तो ये जो लहर लग रही थी तो मैं डायरेक्ट गिर रहा था क्योंकि अरे भाऊ पिया हुआ था, इसलिए मेरे साथ साथ हर्षिल ने भी थोड़ा पिया था, पर हम लोग ने कसम से बहुत एंजॉय किया। और वहाँ कसम क्या बोलूँ ना भाई, ये देखो लहर में थोड़ी सी भी हल्की सी भी लहर लग रही है तो हम लोग गिर रहे, देखना पूरे में हम लोग ने यही मज़े किए। पर माँ कसम सच्ची बोलूँ ना मैं आपको यार, बहुत मज़ा आया मुझे गोवा, बहुत मज़ा आया। मैं सोच रहा हूँ कि हर 6 महीने या फिर हर 3 महीने चला जाऊँ गोवा में। पता है मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा था, फर्स्ट ब्लॉग में बताया ना मैंने आपको, बताया था 2012 से मैं गोवा आने की प्लानिंग कर रहा था मेरे दोस्तों के साथ, पर फाइनली मैं 2022 में आ गया। ये जो बोल रहा है ये विनीत है, 2012 से सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था, पर 2022 में मुहूर्त निकला। कोई नहीं, छोड़ो, अभी हर 6 महीने आ जाऊंगा क्योंकि गोवा के बहुत अच्छे अच्छे एरियाज मैंने देख लिए। और ये देखो जो भी एडी चली मैं कर रहा हूँ, ये सब पीएडे में कर रहा हूँ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं इतना नाटक कर रहा था गोवा में यार। लहर की वजह से मैं पूरा खींच गया था। मैं मन में सोच रहा हूँ यार नागिनी क्यों नहीं बना था मैं उस टाइम पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। मैं क्या क्या नाटक कर रहा हूँ ना, मैं छोटा बच्चा बन गया था यार पीने के बाद। तो आप भी आओ, आप भी छोटे बच्चे बनो यार, अभी मौज नहीं करोगे तो कब करोगे यार। मौज का याद आ गया बिल्कुल, ये गुजराती वर्ड है एक्चुअली, मौज यानी कि मज़ा। यार जो क्या कर रहा है, छड्डी तो थोड़ी ऊपर ले ले। गाइस देख रहे हो मेरा जो छड्डा है वो कितना नीचे है। यार बॉडी भी नहीं है और मैंने टी शर्ट भी निकाल दी। मेरे को अभी एडिटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को इतनी शर्म आ रही है ना क्या, पर मैं डाल दूँगा, ये सब डाल दूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो गाइस तो एंजॉय करो। यार ये डांस कर रहा था विनीत ने एकदम लास्ट में स्टार्ट किया मेरा ये डांस, अच्छा मैंने स्टेप हो गया था। क्या विनीत क्या गुंडा बनेगा तू, ये वाला करना चाहता है डांस, रिकॉर्ड करना था कोई नहीं। पर यार गाइस मैं आपको बोलूँ ना, एकदम ठंडा पानी, एकदम क्लीन वाटर है, जो मज़ा आ रहा है ना यार, एक नंबर मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको भी ऐसे मज़े चाहिए तो आप भी आओ यहाँ पे गोवा में, आओ और एज करो। और ये जो बागा बीच है ना भाई, एक नंबर है, बाप बीच है, बाप बहुत हार्ड बीच है, बहुत मज़े भी आ रहे थे वहाँ पे। हम लोग ने तो बहुत एंजॉय किया, पता है मैं फर्स्ट डे पे इतना गोरा था ना, पर मैं आपको बोलूँ ना लास्ट 5 डेज में हम लोग इतने काले हो गए थे ना, खास करके मैं और हर्षिल हम दोनों काले हो गए थे क्योंकि हम लोग ने बहुत नहाए थे। और ये जो आप देख रहे थे एड़े चली, वो मेरी चड्डी में थोड़ा ये मिट्टी वगैरह सब चला गया था तो मैं साफ़ कर रहा था। आप पीछे जाके वापस देख लेना मैंने क्या किया था, एड़ा गिरी और हर्षिल डूब रहा था लहर में, मीन्स लहर जैसी लहर आ रही थी हर्षिल उसके साथ बह जा रहा था। मैं भी बह रहा था पर मैं हल्का हल्का बह रहा था, पर हर्षिल बहुत ज़ोर से बह रहा था। ये देखो लहर यार इतनी ज़ोर से आ रही थी ना, हम दोनों ही ऐसा गिर जाते थे। पर यार बहुत मज़ा आया उस दिन, बहुत एंजॉय किया मैंने, मैंने अपनी लाइफ में कभी दरिया में इतना एंजॉय नहीं किया था। कोई नहीं, चलो थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए, अभी थोड़ा एंजॉय करो विदाउट मेरी वॉइस। सॉरी ज़्यादा पका लिया आपको, पर मैंने अपनी दिल की फीलिंग, क्या बोल रहा यार, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था आपके साथ। चलो बाय बाय।
बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। वाट लग रही है, थक गया हूँ लहरों से बाहर निकल निकल के, लहरों का सामना कर करके थक गया हूँ। बस ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं गिर गया तो मोबाइल जाएगा पानी में। आईफोन इतना महंगा भी नहीं है कि पानी से बच जाएगा, लग जाएगी। भगवान मेरी आईफोन की आत्मा को शांति देना, अगर मर गया तो पूरा डेटा निकल जाएगा। आँख बहुत जल रही है यार, खारा पानी बोते नहीं थे। छुत्तर छिल गए, छुत्तर कमर सब। इतने नहाने के बाद तो लहरों से लड़ने के बाद मुझे लगती है भूख तो आ गया मैं खाने, और आधा घंटा खाना खाने के बाद मैं सूख भी गया। खाना पीना सब हो गया, नहा के भी सूख गया पूरा। दोपहर के 2 बज गए, सुबह में आए थे हम लोग 11 बजे, और जो हम लोग ने एंजॉय किया, खास करके मैं जो पहले स्टार्टिंग में रो रहा था, बहुत मज़ा आया। पानी एकदम ठंडा है, क्लीन है, क्या बोलूँ। गोवा में सब कुछ अच्छा है, बस गोवा एक नंबर जगह है। गोवा में मैं आपको बोलूँ ना, बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। गोवा ऑसम जगह है, आप यहाँ पे आओ तो आपको मालूम पड़ेगा गोवा क्या चीज़ है यार, बहुत हार्ड चीज़ है गोवा। तो आपको इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको एंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वीडियो में जितना मज़ा आएगा ना, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे फील करने में मज़ा आएगा। तो आओ, फील करो, स्वागतम है आपका यहाँ पे गोवा में। तो आओ यार, प्लीज़ आओ, एक बार आओ गोवा में। अगर आपने गोवा नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। जहाँ पे हम लोग ने बुक करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने चेक इन नहीं किया, पैसा दे दिया है। पर यहाँ पे सब लोग को नहाने के लिए आना था, बहुत पसीने में और कार में बैठ बैठ के थक गए थे, तो डायरेक्ट हम लोग नहाने के लिए आ गए। कल रात को निकले थे हम लोग मुंबई से। तो बहुत थके हुए थे तो नहा लिया। हम लोग ने पहले बोला कि वहाँ जाते हैं स्विमिंग पूल में नहाते हैं, पर नहीं, इधर ही आता था। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा चप्पल में जो गिरा था, मेरा चप्पल इधर आ गया था। अब ये रुक कहाँ जा रहा है यार, थैंक गॉड मेरा चप्पल बच गया साला। हे भगवान। तो चलो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा विल्ला नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और गोवा में आते रहिए। तो गाइस, हम लोग जा रहे अभी हमारे विल्ला में, और बहुत एंजॉयमेंट कर लिया, बहुत नहाए, बहुत मज़ा किया, बहुत पानी में गया, बहुत पानी में डूबा भी। मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ पानी घुस गया, नाक में, कान में, आँख में, पर आप समझ ही गए रहेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे विल्ला, तो मेरी तो वाट लगने वाली है। पहली बार जा रहा हूँ इतने महंगे विल्ला में। देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा विल्ला का वीडियो दिखाऊंगा, और तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक भी शेयर कर दूंगा। हाँ, और इंस्टाग्राम पे उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और विला का कोई मैनेजर वगैरह, मैं उसको बोलूँगा, उसका अगर नंबर देता है तो नंबर, अगर वो बोलता है कि पब्लिश करना है तो मैं नंबर भी डाल दूँगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय। हम लोग को जाना है हमारे विला में, और ये भाई जो हर्षिल है, ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहा, इसको इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे कि बात ही मत पूछो। हर्षिल मेरे भाई, बाहर आ जा यार, हम लोग को वापस विला में जाना है और चेक इन करना है। चल मेरे भाई, आ जा मेरे लाल, आ जा। So, hey
है पब्लिक। फाइनली मैं सूख गया यार, बहुत गीला हुआ, बहुत मजा आया। और पता है मैं और आरसी इसलिए हम दोनों ही नहाए थे, मैं थोड़ा काला भी हो गया। चलो भाई लगा के वापस गोरा हो जाऊंगा। इतना काला हो गया ना कि फॉरेनर भी परेशान हो गया ये काला कितना क्यों। तो मैं क्या बोल रहा था, मामा आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी हम जिले पे जा रहे, जिला पे जा रहे हैं। हमारा जिला का लोकेशन डाला है आगे की गाड़ी में, उसके पीछे हम लोग जा रहे हैं। हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, हमारे माता को फॉलो कर रहे हैं। पड़ेगा जा रहे हैं ठीक, वरना यूपी या फिर बॉम्बे, यूपी या फिर बॉम्बे ठीक है। तो विला एक्चुअली क्या सैटरडे संडे चल रहा है ना, तो विला मिला तो ठीक, वरना कोई नहीं ऊटी चला जाए, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो विला मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे गोवा में। और होटल में मासी का आज क्या बर्थडे है ना, तो मासी बोल रही होटल में नहीं लेना है, खुद का पर्सनल विला लेना है, तो नहीं मिल जाए क्या हाल है। कब से घूम रहे मिला तो ठीक, वरना बॉम्बे चले जाएंगे। और मासी के साथ साथ अपने यहाँ मोगली का भी बर्थडे है, मोगली तेरे को मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, बहुत बियर पिया। बियर पिया वो बात तो ठीक है, नहाने क्यों नहीं आया? नहीं यार पानी गीला, पानी गीला था। सुना आप लोग ने, सुना पानी गीला था। अच्छा सूखा नहीं थी, अच्छा हो ना सूखा नहीं था पानी। नहीं नहीं अगर अगर सूखा रहता तो क्या कर लेता था पानी, अगर सूखा रहता तो क्या कर लेता था। तो गाड़ी रुक गई है, कार रुक गई है, तो अंकल ने इशारा करके बोला कि पीछे है। तो खाली लग रहा है, वाह ये भी अच्छा दिख रहा है। अरे ये बुक कर लो ना, मासी को बोला ये बुक करो ना यार, सेक्सी दिख रहा है। खाली लग रहा है रे सीरियसली, दरवाजा वगैरह सब बंद है, कोई पब्लिक नहीं दिख रही है, खिड़की वगैरह भी बंद है। कपड़े सूख रहे तो यार घूमने के लिए गए रह गए। ठीक है यार, बाइक भी तो पड़ी है ना उसकी, बियो पड़ी है, बियो बोलते ना मामा इसको, यामा है की। तो वापस निकल गए आगे, गोवा यार जन्नत है यार, कसम से बहुत मजा आता है गोवा में। चलो तब तक गोवा के बारे में बताओ, कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत ही अच्छा लगा ड्राइविंग करके। ड्राइविंग से हम लोग ड्राइविंग ही कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे मजा नहीं है आपको घूमने में? मजा नहीं आया घूमने में, बहुत मजा आ रहा है। हाँ ठीक है, और आपको क्या चाहिए? क्या दारू वारू सब मिल रहा है, खाना पीना सब मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? और बस है आपको? लेकिन फिलहाल तो मैं दारू नहीं पीता हूँ, चिकन नहीं खाता हूँ, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। आई एम सॉरी। तो हाँ मैं समझ गया आपकी भावना, तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे आप। मेरी भावना नहीं है, मेरी प्रीति है। मैं समझ गया, तो भी आप सच में ड्राइविंग ही कर रहे हो, मजे तो हम लोग कर रहे हैं। आप तो मैं गाड़ी चला चला के मजे कर रहा हूँ ना, और क्या चाहिए यार। थैंक यू मामा, हमारे लिए बाइक गाड़ी चलाने के लिए। सॉरी बस ना नहीं वो हमारी पब्लिक समझ गई 69 का मतलब क्या है, तो हम यहाँ से स्किप करते हैं, 69 को भूल जाओ, 69 का मीनिंग सबको पता है। चलो कोई नहीं, आज सबको पता है का मीनिंग तो बहुत कुछ होता है। अरे बहुत मजा आया आज, हाँ शक्ल से बहुत मजा आया। भागा बीच गए थे हम, रात को भी गए थे देखने के लिए गया। So, hey guys, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू।